कि जो मनुष्य है और पशु है उसमें अंतर होता है, लेकिन जब मनुष्य खुशी की बात करता है, ढूंढता है, तो क्या पशु भी वही खुशी ढूंढते हैं सब? देखिए, पशु भी भोग करना चाहते हैं, उन्हें भी भोजन की तलाश है, वो भी सोना चाहते हैं, वो भी अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, और वो भी मैथुन क्रिया में आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन वो पशु लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो उनको भोग योनि मिली है वो करते हैं और संतुष्टि से सो जाते हैं। लेकिन वो लोग अपने दुखों का कारण पता नहीं लगा सकते। वो लोग परेशान क्यों हैं, चार पैर में क्यों हैं, या अगला कौन सा शरीर मिलने वाला है, इसके बारे में नहीं जानते। वो ये नहीं जान पाते कि मरने के बाद क्या होता है, या वो ये नहीं जानते कि कई बारी पशु भी परेशान होता है, दुखी होता है, या भोजन उसको क्यों नहीं मिला, या चार पैर क्यों मिले, उसको दो पैर क्यों नहीं मिले। तो पशु भी इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं जान सकता। तो ये जान सकते हैं तो केवल मनुष्य। इसलिए मनुष्य के पास ज़्यादा विवेक है, वो ये जान सकता है, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है ये समझना पड़ेगा। पशु तो बेचारा अपने भोग योनि के कारण जो उसको मिला है वो उसी में संतुष्ट रहेगा। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य के पास दिमाग दिया है भगवान ने, और वो ऐसा दिमाग है जिसके साथ, जिसकी मदद से वो ये पता लगा सकता है कि मेरे दुखों का कारण क्या है। मैं सारे काम अच्छे करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी मेरे हिसाब से रिजल्ट क्यों नहीं आते? मैंने पैसा इतना लगाया, मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रिजल्ट मेरे हिसाब से क्यों नहीं आया? मैंने संबंधों में अच्छे ढंग से इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। इसलिए लोग देखते हैं कि मैं सुबह वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद भी दुख आ रहे हैं, उसके बाद भी शरीर में समस्याएं आ रही हैं। लोग देखते हैं कि मैं हमेशा यंग रहना चाहता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा जिम जाता हूँ या कई तरह के पैचअप सॉल्यूशन यूज़ करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ओल्ड एज मुझे कवर कर रही है, ओल्ड एज मुझे आ रही है, दिन ब दिन मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा हूँ। बुद्धिमान भी जानता है कि वृद्धावस्था आने के बाद मेरी मृत्यु भी है, लेकिन मृत्यु के बाद होता क्या है, कहाँ जाता है व्यक्ति, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। ये पशु नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलें कि पशु जो है वो सुख ढूंढ रहा है, नहीं, वो अपना आहार निद्रा में ही सुख ढूंढेगा। लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति केवल उन्हीं कामों में सुख ढूंढे जो पशु ढूंढ रहा है, तो फिर इसलिए शास्त्र कहते हैं पशु के ही समान है। मनुष्य इन कारणों का पता लगा सकता है कि मेरे को दुख क्यों आते हैं। दूसरा, वो ये पता लगा सकता है कि मेरे जीवन का असली लक्ष्य क्या है। और सुख की असली परिभाषा है कि जब हम सुखी हों, आनंदित हों, तो फिर दुखी ना हों, अर्थात शाश्वत प्रसन्नता। शाश्वत का मतलब होता है एटर्नल, था, है और रहेगा। आनंद मतलब मनुष्य सदैव आनंद में रह सकता है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए, उसको प्रयास करने के लिए उसे कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य ये पता लगाता है कि मेरे असली जीवन का लक्ष्य क्या है। तो केशव जी, अक्सर हम जब आम मनुष्यों की बात करें तो वो कहते हैं कि हम खुशी ढूंढ रहे हैं, हम प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं, हमें संतुष्टि हुई है, हमें तृप्ति हुई है, ऐसे कई शब्द इस्तेमाल होते हैं जिसमें वो खुशी ढूंढता है। वो अपने जीवन का लक्ष्य हो या कहीं भी हो, वो ये सोचता है कि ये शब्द इस्तेमाल करके, लेकिन ये आनंद, तृप्ति, संतुष्टि या खुशी, क्या ये सब एक ही जो है एक ही लक्ष्य की तरफ जाते हैं, या कुछ हमें अलग इसके लिए करना चाहिए? देखिए, जब व्यक्ति आनंद, संतुष्टि इन शब्दों की बात करता है, जनरली वो जिन चीज़ों को कर रहा है, जिन भोगों को कर रहा है, अगर भोजन करा, मेरे हिसाब से नमक था, मेरे हिसाब से मिठाई थी, तो मैं संतुष्ट महसूस करता हूँ। लेकिन अगर नहीं था तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घर में झगड़ा कर बैठता है। तो हम लोग जो फिजिकल लेवल पर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से असंतुष्ट रहते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के पूर्ण होने से संतुष्ट दिखाई देते हैं, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सब चीज़ें नहीं बनी। आज मार्क्स अच्छे आ गए तो मैं बड़ा खुश हूँ, अगले एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो मैं दुखी हूँ। आज मेरे हिसाब से काम हो गया, मेरे हिसाब से प्रॉफिट आ गया तो मैं खुश हूँ, अगर अगले दिन नहीं आया तो मैं दुखी हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो रोज़ चलता है, किसी ने मेरी बात मान ली तो मैं खुश, जिसने नहीं मानी मैं दुखी। तो क्या करना पड़ेगा? इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हमारा गोल, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमें मालूम है, तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों से सुखी और दुखी नहीं होंगे। हम लोग शाश्वत आनंद की तरफ जाएंगे, और वो तब होगा जब व्यक्ति अपनी समस्याओं को जानेगा, पहचानेगा कि वास्तव में मेरी समस्याएं क्या हैं। तो क्या है हमारी समस्याएं? समस्याओं के बताते हैं तीन क्राइटेरिया जी। समस्या का मतलब है कॉमन टू ऑल, वो सबके साथ होती है जी। समस्या का दूसरा क्राइटेरिया है कि वो
कोई उसको अवॉइड नहीं कर सकता, वो सबको आती है। ऐसी समस्याएं हैं चार। और फिर तीसरी बात बताते हैं कि कोई उसको चाहता नहीं है और उसको अवॉइड नहीं कर सकता और सबके साथ होती है। ये समस्या का एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं कि समस्या बोलते ही उसी चीज़ को हैं जो कॉमन टू ऑल हो, सबके साथ होती हो, कोई उसको चाहता ना हो, और तीसरी कि कोई भी उसको अवॉइड ना कर सके। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी समस्याएं हैं समाज में। तो बाद में पता चलता है गहन अध्ययन के द्वारा कि सबसे पहली समस्या है जन्म की। अगर हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय माता के गर्भ में छोटी सी उस काल कोठरी में बच्चा उल्टा टंगा होता है और वहाँ पर करहा रहा होता है, रो रहा होता है, ना करवट बदल पाता है और कई तरह के जम्स उसको काटते हैं। इतनी दयनीय स्थिति में रहता है, प्रार्थना करता है भगवान से कि मैं बाहर निकलूंगा तो आपका भजन करूंगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कई बार बच्चे को अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं और उससे भयभीत होकर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं अब अगर बाहर आया तो आपका भजन करूंगा और पर्पज़ ऑफ लाइफ जो मेरा है मैं वो करूंगा, अचीव करूंगा। बाहर निकलने के बाद माता पिता ही, रिश्तेदार ही उसको बताते, नहीं तुम्हारा नाम ये है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, उसके बाद तुम्हारे को पैसा कमाना है और उसको अपनी लाइफ को सेटल करना है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन जो पर्पज़ ऑफ लाइफ था वो नहीं समझे, एटर्नल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी वो नहीं समझा पाए। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमने बताया जन्म से ही सारी समस्याएं शुरू होती हैं जी। इस जन्म की समस्या की बात करें तो यहीं पर वो टैग लग जाता है, सरनेम लग जाते हैं जी। हाँ। ये जाति में जो वो कहते हैं ना, मानव को जो पता नहीं होता, जैसे आप बता रहे हैं कि वो किस जाति का, उसको कहा जाता है आप मद्रास के हैं, आप मद्रासी हैं, आप पंजाब से, आप पंजाबी हैं, आप गुजराती हैं, और इसी प्रकार हमारी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाती है जी। और उस आइडेंटिफिकेशन से बचपन से हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं और हम अपने को वही मुखौटा पहना देते हैं। कुछ लोग हिंदू बोलते हैं अपने को, कुछ मुस्लिम, कुछ सिख और कुछ ईसाई। तो ये सब अपनी पहचान इस तरह से करने के बाद उसी तरह डील करते हैं। अगली समस्या बताते हैं कि बीमारियाँ ये ऐसी हैं, ये बच्चे को भी होती है, जवान को भी होती है, बूढ़े व्यक्ति को भी होती है, तो सब लोग इससे परेशान हैं। इसलिए हम देखते हैं कॉमन टू ऑल, ये सबके साथ होती है, जन्म भी सबके साथ है, बीमारियां भी सबके साथ हैं, और फिर इसको कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। कुछ बीमारियों के लिए कुछ दवाओं से आप अपने को बचा सकते हैं लेकिन कल आएगी कि नहीं आएगी ये नहीं पता लगा सकते। तीसरी बताते हैं ओल्ड एज, ये भी हमारा पीछा करती है। हर व्यक्ति जो है वृद्ध होता है, वृद्ध व्यक्ति उसको नहीं बोलते जिसके बाल सफ़ेद हो गए, वृद्ध व्यक्ति उसे बोलते हैं जो मृत्यु के नज़दीक हो, और मृत्यु हर एक व्यक्ति के नज़दीक है क्योंकि मृत्यु किसी की कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसलिए बच्चों से भी पूछते हैं हाउ ओल्ड यू आर, कितने साल के बूढ़े हो तुम, तो इसलिए बच्चा भी बूढ़ा है और वृद्ध व्यक्ति भी बूढ़ा है। और फिर चौथी चीज़ है मृत्यु, ये भी सबके साथ होती है, कोई मरना नहीं चाहता और कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता। इनको बोला जाता है प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन केवल मनुष्य योनि में ही ढूंढा जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं ढूंढा जा सकता। इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान कहा गया है और कहा गया है कि उसका जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है वो ये जानना कि समस्या क्या है और इन चार मुख्य समस्याओं से बाहर कैसे निकलें। इसके अलावा भी 3 क्लेश बताए जाते हैं शास्त्रों में जी। वो क्लेश हैं आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। ये कौन से क्लेश हैं? शास्त्र कहते हैं आत्मिक क्लेश वो हैं जो हमारा मन और हमारा शरीर हमको देता है। दूसरा बोला आदि भौतिक क्लेश, ये वो क्लेश हैं जो हमें दूसरे लोग देते हैं हमारे को छोड़कर, हमारा परिवार के सदस्य हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं। और तीसरा बताया गया आदि दैविक क्लेश, ये वो क्लेश हैं जो नेचुरल कैलामिटीज के रूप में हमारे ऊपर आते हैं जिसमें हमारा बस नहीं चलता। तो ये 3 क्लेश और हैं। अब आप सोचिए जन्म लेने के साथ ही हमारे जीवन में दुख शुरू हो जाते हैं, समस्याएं शुरू हो जाती हैं और कष्ट शुरू हो जाते हैं, और उसके बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो हम थोड़े से भोग करके कुछ खाकर संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं। इतनी सारी समस्याओं के साथ जीना और फिर ये सोचना कि मुझे सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, कैसे होगा? इसका मतलब क्या है? हम गलत जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, गलत जगहों पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। बुद्धिमान मनुष्य अगर लैपटॉप खराब हो जाए तो उसको ठीक कराने के लिए अच्छे से अच्छे हार्डवेयर के पास जाता है या इंजीनियर के पास जाता है, वो हलवाई या किसी मोची के पास नहीं जाता, इतना बुद्धिमान है। उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये जो समस्याएं मेरे जीवन में आ रही हैं इनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्योंकि सुख प्राप्त करना भी एक उद्देश्य है, आनंद प्राप्त करना भी एक उद्देश्य है। कम से कम पहले उन समस्याओं से तो बचें जो हमको परेशान कर रही हैं। इसलिए डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि मेडिसिन बीमार होकर मेरे पास आने से अच्छा है कि आप सावधानी बरतें। तो हम लोग कम से कम पहले सावधानी बरतना शुरू करें कि क्या समस्याएं हैं जो हमको, जिनको अवॉइड करने से हमारा कम से कम
सुख का लेवल बढ़ जाए। बिल्कुल केशव जी, दर्शकों को मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना ज़रूर समझ आएगा, जो लोग आज खुशी की तलाश में हैं, जो सोचते हैं हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशन है उनका, सब ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिले, कोई ऐसे शॉर्टकट रास्ता हो। लेकिन जैसे कि केशव जी ने समझाया कि पहले, सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे क्रिएट हुई हैं, क्या हमने क्रिएट करी है, हम हमारे द्वारा हुई है, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। समस्या का समाधान अपने आप निकल आएगा अगर हम समझ लेंगे कि हमने समस्या कहाँ बना दी है और समस्या कैसे हमें घेर रही है।